जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। लें दोस्तों, आज संडे का दिन है और लगा हुआ जेठ का दिन था आज, जिसमें 46 डिग्री टेम्परेचर था। और आज बड़े बड़े यानी कि कबूतरबाज और बड़े बड़े जो से ना बुर्ज जो से हैं वो टाइम टाइम बुक हुए हैं। तो आज हमारे साथ सारे माशाल्लाह दोस्त भाई उस्ताद मौजूद हैं, इनसे ज़रा डिस्कस करेंगे इस मामले पर। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं सब? अच्छा उस्ताद जी, आज 46 टेम्परेचर है सी, ये सूरत हाल ताडे सामने है। माशाल्लाह बड़े परचे ताडे ना शेयर होए ने, तो ज़रा रोशनी पाओ ज़रा। असल सुबह जो कबूतर लोगों ने पले मारे ने ना, लोगों जो पले मारे तो लोग बड़े मुतमिन है सन कबूतर आ गए, मगर जो समझदार उस्ताद ते तजर्बेदार उस्ताद सन उन्होंने पता सी 8-9 बजे तो बाद की होना है। तो जो जो सोच के बैठे सन वो तो होया नहीं, तो जो उस्ताद ने पता ही ना 8 बजे तो बाद की होना है, वो बेचारे सारा पता ही कि होना की वो सो होया सेम होया। सही 8 बजे तो बाद फिर कबूतर जेडे सामने सन वो तो आ गए, तो इक्का दुक्का ही उत्तों निकल के बैठे ने, बैठे ने जेडे असी खुद अपनी अखा च अखा ना देखे ने, और आ के लोगों को कबूतर संभले नहीं मर गए ने। आज बाकी बहुत गर्मी से, गर्मी तो अलावा लोगों ने ज्यादती बड़ी की थी। देखो इन्नी सी जान है, बेजुबान है, तुसी अपने मफाद की खातर एक बेजुबान की जान ले ली, चंद पैसों की खातर तुसी एक बेजुबान की जान ले ली, सिर्फ अपने एक शौक शौक की खातर। तुसी अगर शौक करते हो तो फिर इनकी जान ना लो, बिल्कुल बिल्कुल उन्ना के इन्हां नाल हाथ इस्तेमाल करो जिन्ना के इन्हां दी बेचारियां दी कैपेसिटी। बिल्कुल अगर तुम इस ज्यादा रखोगे ना तो फिर यही हाल होना, खुद अपने अखा देखे यकीन मनो कि रोना आ गया, बेजबान देखना रोना आ गया, जिस तरह मरे ने, जिस तरह उल्टवाजियां खा रहे ने, जिस तरह पानी पी रहे ने, यकीन मनो कि बड़ी तकलीफ जी हुई। बाकी उस्ताद भी तुम दस दिन बाकी जो भी सूरत आ गई साहब साहब से देते हैं। हाँ जी मामू, लोग तो दुआएं कर रहे थे कि हमारे पुत्र ही पूरे हो जाएं, पुत्र पूरे होने की उम्मीद है। टेम्परेचर जो है टेम्परेचर वाकई बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अच्छा कारीगर बंदा जो है ना, जो पुराने टाइम के पुराने उस्तादों का चंदा, वही कबूतरबाजी में कामयाब हो सकता है नए कबूतरबाज, क्योंकि नए कबूतरबाज तो मेडिसिन में घुस गए हैं और ये देसी उन्होंने नुस्खे छोड़ नहीं, उनको घुसाया किसने? ये नए 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 लोग, नए नए उस्ताद, ये जो चैनलों वाले यूट्यूब पे नए नए लोग आ रहे हैं ना, अपने अपने मिर्च मसाले बता चूरन बेच रहे हैं, ये सब झूठ है। ठीक है ना, अब उनके मिर्च मसाले किधर गए? सब मुद्दे मुंह पड़े हैं यार। एक बंदा है वो दिल्ली विला नागा, एक आपको आपको वीडियो दे रहा है। अच्छा, वो कितना बड़ा उस्ताद है, वो 100 से ज्यादा तो आपको नुस्खे ही बता रहा है, उसके घर जाके देखो खुद के वो कबूतर नहीं उड़ा सकते। हकीकत बात है, सही है, असल कबूतरबाजी तो इस गर्मी में है। बिल्कुल उस्ताद जो पुराना जो पुराने उस्ताद थे ना वो काबिले एहतराम है, आज भी हम उनको सलूट करते हैं। वो लोग थे घड़ों में पानी बना के रखते थे, जाने वाले का पानी, आने वाले आने का पानी, कबूतर मरते ही नहीं थे। ऐसे ही ऐसे ही लोग ये कहते हैं वो पुराने उस्ताद अज जिंदा हो ना तो वह कबूतरबाजी वेख के फिर मर जान। मैं कहना हूं दे जेड़े उस्ताद है ना वो मर जान, उन्हां दी हकीकत असलियत, उन्हां दी अच्छाई, उन्हां दी कबूतरबाजी नूं समझ के, अगर उन्हां दी कबूतरबाजी समझन तो कभी कबूतर ना मरे। बिल्कुल ऐसे ही है, असीं खुद अपने वाला साहब नूं देखिआ जांदे आ पानी पुछदे हुंदे सां, जदों कबूतर आंदे सां खुला पानी लग जांदा, मगर असीं बदकिस्मत लोक हाँ जिहड़े असीं उस चीज़ नूं हासिल ही नहीं कर सके। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਾਮਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਛਿਣਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਜਾਏਗਾ।
पहले उस्ताद क्यों कामयाब सन, क्यों नहीं सी कबूतर पहले मारते, ऐसे तरह नहीं सी मारते, वो ज्यादा उड़न थोड़े उड़न बड़े बेहतरीन उस्ताद सन। कोई खराब हो गया वो छेती बह गया पर उन्हें संभाल इन्नी अच्छी करनी है अगली बाजी जो फिर तैयार होता ही उड़न वास्ते। मैं तो अपना जिहड़ा मेरा प्रैक्टिकल है मैं तो वह शेयर करांगा अपने व्यूअर्स दे नाल कि मैं जो कबूतर उड़ाता सी ना जेड़ च ते असीं सुबह ही पानी बना के रख लईदा सी बिल्कुल ऐसा ही ते जगह का भी इंतजाम कर लेता सी पिंजरी जी बनाई होंदी सी बिल्कुल बिल्कुल थले बोरी पछा के रख देनी। हुण मैं सुनना वा कि जी वह कहते हैं कि जी बोरी भी नहीं रखनी। हाँ जी यार जी सारा कुछ नहीं करना तो करना की है। असी खुद मैं खुद नासर शाह साहब ने देखा खुद खुद मैं उन्होंने जेठदियाँ बाजिया देखिया ने सब्जादार च खुद देखा कि वो भाजी थले बोरी रखते सर जेठ दिया बाजिया बारह भी कबूतर बैठा है ग्यारह भी बैठा है दस भी बैठा उन्होंने उठे लिया कबूतर उड़ के आता ना वो पहले हीट हुआ था उसके पैरों से जाना उसकी तस्वीर निकल जाती बोरी के ऊपर बोरी गिली होती है अगर बोरी नहीं रखनी तो फिर कबूतर को ठंडा कैसे करना कैसे। बात तो ये है कि यंग जनरेशन जो हमारी जितनी भी है ना वो सारी यूट्यूब की वीडियोस के पीछे लगी है आज एक दिन एक नुस्खा लगाएंगे दूसरे दिन दूसरा लगा लेंगे वो प्रैक्टिकल इस तरह कर रहे हैं कि एक वीडियो एक दिन देखिए अगले बंदे की देखे उसका भी उसका नुस्खा लगा दिया बिल्कुल ऐसे वो हकीकत जो है सच्चाई जो है उसकी तरफ कोई भी नहीं जाएगा नहीं जाएगा वो बताता कौन है नहीं ना आप वीडियोज भी देख लें उसमें अगर चार बातें उसने बताई है ना तो चारों खा गया ऐसे ही है चारों मेन जो चीजें थी ना वो उसने बताई। इसमें वो सीन है ना कि जैसे वो एक तालिबान तैयार किया जाता है ना उसको अहदीस जो सी है ना वो काट 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 के ना तोड़ तोड़ के वो जुमले बताए जाते हैं जिससे उसका ब्रेन वॉश होता है वॉश होता है वो खुद कुछ हमला बनाए। आप देख ले हजार ये वही वाला सीन कुछ इस तरह का बोलते हैं हजार से ज्यादा वीडियोस लगी हुई है कि आज ये नुस्खा लगाए गर्मी का नुस्खा दो तीन चीजें बताएंगे बाकी गायब हो जाएंगे वो किधर चाहिए संभाल बताए सब पूरी चीज बताए डिटेल के साथ अगले अगले अपना जो है वो पूरी तैयारी करे। मैं भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस्ताद हजरात जो है ना जो खुद करते हैं वो इस चैनल पे नहीं बताते। हाँ, बात कैसे बताएं और कसमें खाते हैं यार अमान कुरान की अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतनी थी बड़ी बातें कर जाते हैं कि बंदा जो है ना वो उसका माइंड कहता है यार नहीं ये बड़ा सच्चा बंदा है यार ये तो बड़ी कसमें खा रहा है ये तो बड़ी अपना पुख्ते बातें कर रहा है मगर पुख्ता बात का तो पता तब चलता है ना जब बंदा प्रैक्टिकल करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर जितने अब तक जितने YouTube पर इन्होंने नुस्खे बता दिए ना मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्या 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान होना तो वो भी कारीगर हो जाए वर्ल्ड चैंपियन हो जाए। हकीकत बात है इन्होंने मेडिकल स्टोर दिखा दिया छोटे छोटे बच्चों को नई जनरेशन को मेडिकल स्टोर बता दिया। ख्याल है कि मैंने कोई 10 की वीडियो देखी आज ग्रुप के अंदर जो भी कबूतर वापसी आया वो बचा नहीं है। मैंने भी सुबह वीडियो देखी है वो बेचारा आकड़ा वा कबूतर वीडियो तालाब पे गिरे हैं कबूतर कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि वो 2-3 मिनट के बाद खत्म हो गए। आज भाई ये कंडीशन थी गर्मी की पापा ने एक बच्चा पकड़ा एक मैंने पकड़ा सादे बच्चे उड़े हुए यानी कि वो बाजी बुजी वाले कबूतर नहीं थे वो बच्चे थे उड़े हुए यार गर्मी से ना मर रहे थे वो ऐसे तो जिसको बारूद लगा हुआ होगा जो बाजी में उड़ा हुआ होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। उसमें एक चीज ये भी है जो यंग जनरेशन है ना वो उड़ाने से पहले पानी नहीं देती हमको सूखे उड़ा देते हैं हकीकत बात है ये यार उनको ठंडे गर्म का पता ही नहीं है वो ये झूठ देखते हैं ना नेट पे तो वही काम करते हैं ये बात बहुत आम है बैठ गया तो वेल एंड गुड ना बैठा तो यार ये नुस्खा नहीं अच्छा था अगले अच्छा बताया ही नहीं उसने अगले दिन दूसरा चैनल देखेंगे वो दूसरा चैनल बंदा ढूंढेंगे पहले अच्छे उस्ताद थे ना वो सबसे पहले जब बाजियों के दिन होते थे आगे पीछे भी वो कभी प्लीत खुड्डे में नहीं जाते बड़ी पॉइंट की बात है बहुत पॉइंट की बात है। वो लोग सुबह उठते थे नमाज पढ़ते थे नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तौबा करने के बाद वो खुदे की तरफ जाते थे ये बड़ी पॉइंट की बात करके वो पाओ और जाना भी नहीं चाहिए और वो बरकत थी बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे नहीं 10-15 साल एक ही कबूतर उड़ते आ रहे हैं अब तो 6 महीने बाद ये नए कबूतर तैयार करते हैं ऐसे ही यही बात है ना बिल्कुल ऐसे ही यही चीजें हैं इन चीजों को आप जरा नोट करें तो इंशाल्लाह कबूतरबाजी ठीक हो जाएगी।
जेठ की जो कबूतरबाजी है ना, मेरे नज़दीक जो कबूतर खुद अपनी फिरत दे रहा है ना, वो तो ठीक है, दे रहा है ऑलरेडी फिरत दे रहा है वो, लेकिन जब उसको कुछ छेड़छाड़ करनी है ना, तो कबूतर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कबूतर कोई भी मौसम में गर्म ही उड़ता है। गर्म करेंगे तो वो हिट मारेगा। गर्म ही उड़ता है, और अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि ये मिर्च मसाला जो है या गर्म इसीलिए किया जाता है कि जिस हाइट पे वो पहले जाके वो ठहरता है ना, उससे थोड़ा सा मजीद ज्यादा हाइट पे चला जाए। गर्म इसीलिए करते हैं उसको। लेकिन हर मौसम का जो है ना वो अलग अलग दाना पानी है, अरसु में कुछ और है, वसाख में और है, अब जो ये जो टेम्परेचर है इसका दाना पानी और है, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जिसने एहतियात नहीं की उसकी कबूतरबाजी खत्म होगी। और अभी तक लोगों के कबूतर नहीं सीधे हुए, सुबह 9 बजे 8 बजे बैठ के नहीं सीधे हुए। अब लोग वही कह रहे हैं जो समझदार साल है। मैं आ गई ना, जितने की मैं आ गई, वो बेजबान को नहीं देखते कि यार ये मेरे पास अगर सूखा उड़ रहा है सादा, अगर 9 या 10 बजे बैठ रहा है तो मैं उसको हल्का सा टच दे दूं, बस वो इस चक्कर में रहते यार, मैं अगले जिससे उसकी जान भी ना जाए और वो घर भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखे कि मस्जिदों में कबूतर गिरे हैं, ये हालात थे आज, जो टेम्परेचर था, बहुत जुल्म हुआ है आज तो भाई, बहुत जुल्म। ये जुल्म होता आ रहा है, ये 15-20 साल से ये होता ही आ रहा है। हम जितनी मर्जी वीडियो बना ले, ये जुल्म होना बंद होने ऐसी ऐसी है। जब तक ये झूठे लोग बंद नहीं ना होंगे तब तक ये जुल्म होता ही रहेगा। पायलट को पता ही नहीं है कि इसके व्हील का कौन सा बटन है, तो पायलट ज्यादा परेशान हो जाएगा, उड़ा तो मैंने लिया, अब इसके व्हील कौन खोलेगा? जाने से पहले बटन ही प्लग कर दिया तो वापस कैसे व्हील खुलेगा? कैसे बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा तो कहना ये है कि अगर बताना है कुछ तो बंदा टू द पॉइंट और सही बात सही बताए। सर जी, मैं तो खुद इस हक में हूँ कि बात हमेशा सच्ची करनी चाहिए, सच्ची करनी चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए लोगों को। आप सच्ची बात कर ले, आपको को पसंद नहीं करेगा। नहीं, अभी भी बड़े लोग हैं जो पसंद करते हैं यार, मैं वो आपको भी बड़ा पसंद करते हैं लोग। मेरी बात पाक इज्जत देने वाला बहुत। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको कोई मैंने नहीं आपको है। पहले भी एक बात बताई, जिसको अल्लाह इज्जत देता है ना उसको कोई बुराई नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसी है, बेशक चाहे जो मर्जी बंदा कर, बेशक बस इतनी सी बात, बंदे का कोई किरदार नहीं है कहीं पे भी, ये अल्लाह पाक ने इज्जत देनी है, वो किस तरह दे वो उसको बेहतर पता। बिल्कुल ऐसी है, संभाल थोड़ी बता दें, ज्यादा ना, लेकिन ठीक बताएं। हाँ ठीक बताएं, थोड़ी बताने का, ये कम से कम जानवर तो नहीं मरेगा, मेजबान की जान तो बच जाएगी। आप देखें कि आपने उस कबूतर के ऊपर कितनी मेहनत की है, बच्चे से बड़ा किया, उसकी फिरते ली, एंड टाइम पे आके छोटी सी गलती से कबूतर मरवा लेते हैं। और राणा जी वो भी छोड़ दो, छोटी जी गलती नहीं, गलती उन्होंने पता होंगे मौत है।